कहते हैं जाके पैर न फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पराई। यानी जब खुद पर बीतती है तभी पता चलता है कि क्या समस्या है। यही हाल फ्रांस का हो रहा है। आज तक भारत चिल्ला रहा था तो समझ में नहीं आ रहा था। 370 के लिए विरोध तो कई बार अल्पसंख्यक के मुद्दों के लिए खुद भारत को नसीहत देने वाला फ्रांस अब ऐसे फैसले ले रहा है जो कि भारत से भी बड़ा है। उसके फैसले सुनकर बाकी मुस्लिम देश बड़े ही चौकन्ने हो गए हैं। आखिर फ्रांस ने अब ऐसा क्या फैसला ले लिया है। वहीं दूसरी तरफ चीन की सेना में बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। आखिर चीन को सैनिक क्यों नहीं मिल रहे हैं। और बड़ी खबर, मोजाम्बिक में एक और बड़ी घटना हो गई है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल ही में चीनी जवानों का एक वीडियो तेजी से वायरल हो गया था जिसमें दावा किया जा रहा था कि ये चीनी सैनिक भारतीय सीमा पर अपनी पोस्टिंग होने से रो रहे हैं। इस वीडियो को पहले चीनी सोशल मीडिया वीचैट पर पोस्ट किया गया था, लेकिन बेइज्जती होने की डर से चीनी प्रशासन ने इसे डिलीट कर दिया था। और अब ताइवान न्यूज की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इस वीडियो को फुयांग रेलवे स्टेशन जाते समय बस में शूट किया गया था। सेना में भर्ती इन नए जवानों को यहां से ट्रेनिंग के बाद भारत से लगी सीमा पर पोस्टिंग के लिए भेजा जा रहा था। इन जवानों को पहले हुबई प्रांत के एक मिलिट्री कैंप में जाना था, वहां से इनकी पोस्टिंग भारतीय सीमा पर होनी थी। हालांकि चीन के बाद में चीनी सैनिकों के रोने का खंडन किया गया था और कहा गया था कि यह गलत खबर है। लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है वह चीनी सेना में असंतोष के साथ साथ एक बड़ी समस्या को भी दिखला रही है। चीन को अब सैनिक नहीं मिल रहे हैं और पहले के जो सैनिक हैं उनमें असंतोष भी बढ़ता जा रहा है। हाल के सालों में पूर्व सैनिकों ने सुविधाओं देने के नाम पर बड़ा प्रदर्शन किया था और इस साल जनवरी में ही 19 प्रदर्शनकारियों को अरेस्ट भी किया गया था। इस असंतोष के बाद चीन ने अब पूर्व सैनिकों की मदद के लिए एक नए कानून को पारित किया है, जिनमें आपको बता दें कुल 5,70,00,000 पूर्व सैनिक हैं। चीन के नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के अस्थायी समिति ने इस विधेयक को स्वीकार कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि चीन में अब सैनिक कोई नहीं बनना चाह रहा है। सेना को ज्वाइन नहीं करना चाह रहे हैं चीनी नागरिक। पूर्वी लद्दाख में भारतीय सरजमीन पर कब्जा जमाने की कोशिश में लगी चीनी सेना को ढूंढने से भी अब नए सैनिक नहीं मिल रहे हैं। चीन के युवा अब सेना में जाने के बजाय दूसरी नौकरी में जाना चाह रहे हैं, लेकिन चीन की सेना में नहीं जाना चाह रहे हैं, जो PLA के लिए सबसे बड़ी मुश्किल हो रही है। क्योंकि एक तरफ जहां वह दक्षिण चीन सागर में भिड़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत चीन सीमा पर भी भिड़ रहा है। इस तरह से कई जगहों पर उसे सैनिकों की जरूरत है। अब चीनी सरकार किसी तरह से लॉलीपॉप देकर सैनिकों को जमा करने की कोशिश में लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ अफ्रीकी देश में मोजाम्बिक में 50 लोगों के साथ एक घटना हो गई है, जिसको फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने यही कहा है कि यह कट्टरवाद का बड़ा नमूना है, दुनिया भर को आगाह किया है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने अब बतलाया है कि इस तरह की चीजें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी समस्या है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका जवाब देना चाहिए। आपको बता दें फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। वैसे जब भारत ने 370 हटाया था या कानून पास किया था तो कई ऐसे देश थे जिन्होंने भारत का विरोध किया था और उनमें से फ्रांस भी था और यूरोपीय यूनियन भी था, जिसकी वजह से भारत को यूरोपीय यूनियन को न्योता देना पड़ा था कि वो आए और यहाँ पर सारी चीज़ों का निरीक्षण करें, देखें और सच्चाई को सामने रखें। क्या ऐसा ही कोई कार्य पश्चिमी जगत या यूरोपीय देश कर सकते थे कि भारत के पर्यवेक्षकों को अपने देश में बुलाते और दिखलाते? ऐसा नहीं कर सकते थे, लेकिन भारत ने ऐसा किया। फिर उन लोगों को शायद समझ में आया, नहीं समझ में आया, लेकिन अब बिल्कुल समझ में आने लगा है। जब खुद उन पर बीतने लगी है तब उन्हें समझ में आने लगा है। फ्रांस में जो घटनाएं होने लगी हैं तब उन्हें समझ में आ रहा है कि कट्टरवाद गलत चीज़ होती है, जिसकी वजह से फ्रांस अब ऐसे ऐसे निर्णय ले रहा है जो कि भारत ने भी नहीं लिया है। जिस तरह से मोजाम्बिक के बारे में ट्वीट करके राष्ट्रपति मैक्रोन ने बताया, वैसे ही अब मैक्रोन एक बड़ा फैसला ले रहे हैं। मैक्रोन यूरोपीय देशों के साथ मिलकर सारे बॉर्डर को सील करना चाह रहे हैं। ऐसे बॉर्डर को खास तौर पर निगरानी में लेना चाह रहे हैं जहां से घुसपैठिए घुस जाते हैं और उसके बाद इस देश के लिए समस्या बन जाते हैं। वैसे आपको बता दें यूरोप ने पहले बाहें फैलाकर घुसपैठियों का अपने देश में स्वागत करा था, लेकिन यही घुसपैठिए बाद में एक बड़ी समस्या का रूप बन गए। तब तो किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन अब समस्या इतनी बढ़ गई है कि खुद फ्रांस एक्शन पर एक्शन ले रहा है, चाहे कितने भी मुस्लिम देश उसके खिलाफ खड़े हो जाएं। हालांकि इन सब के बीच में सऊदी अरब एकमात्र देश है जो इसने फ्रांस का सपोर्ट किया है, समर्थन किया है, और उन्होंने बोला है कि हाँ, कट्टरवाद जो है वो गलत है किसी भी देश के लिए। वैसे आपको बता दें, मोजाम्बिक में भी सीरिया से भागकर आए कट्टरवादी लोग नया कहर बरपा रहे हैं। सरकारी सेनाओं के मैदान छोड़कर भागने की वजह से यह संगठन पूरी तरह से देश में तेजी से पांव पसार रहा है। मोजाम्बिक की हालत बहुत ही बुरी है और वहां इसी तरह से किया जा रहा है, जो कि कट्टरवाद का एक बहुत ही खराब नमूना है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भी एक बड़ा फैसला ले लिया है। अमेरिका ने संयुक्त अरब अमीरात को यानी कि यूएई को 1,73,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की हथियारों की डील की मंजूरी दे दी है। इस डील के जरिए अमेरिका अपने स्टेट ऑफ आर्ट जाने वाले स्टील्थ लड़ाकू विमान F-35 MQ-9 रीपर ड्रोन को यूएई को बेचेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि 23 अरब डॉलर से ज्यादा कीमत वाली इस डील में कई उन्नत हथियारों की टेक्नोलॉजी को मिला दिया गया है और अब इसे संयुक्त राज्य अमीरात को दिया जाएगा। वैसे आपको बता दें, यूएई पिछले कई सालों से अमेरिका से F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान को खरीदना चाहता था, लेकिन इसराइल की आपत्ति के कारण यह डील लटकी हुई थी। कुछ महीने पहले ही यूएई ने इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है। हाल ही में यूएई, बहरीन, सूडान ने इजराइल के साथ समझौतों पर भी हस्ताक्षर किया है। माइक पोम्पियो के अनुसार यूएई को ईरान से खतरा है, इसलिए हम उसे हथियार देकर शक्तिशाली बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह डील हमारे गहन संबंधों और यूएई को ईरान से बढ़ रहे खतरों के खिलाफ बचाव के लिए उन्नत रक्षा क्षमताओं की आवश्यकता को मान्यता देता है। वैसे आपको बता दें, ट्रंप चाहते हैं कि उनके बचे हुए कार्यकाल के अंदर ही सारे लंबित समझौतों को फाइनल कर लिया जाए। वैसे आपको क्या लगता है, फ्रांस ने समझने में देर कर दी? फ्रांस को इस तरह के एक्शन पहले ही ले लेने चाहिए।